कान का पत्ता हमेशा के लिए हड्डियों और जोड़ों के दर्द की समस्या को खत्म करेगा। आपने अक्सर इसे देखा ही होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग इसे चबाते हैं, लेकिन चबाने के साथ साथ हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों को ख़त्म करता है। ये हमारे शरीर से बहुत ऐसे रोगों को ख़त्म करता है जिससे हम डेली परेशान रहते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और एक एक जानकारी को जानते हैं बिल्कुल विस्तार से। अगर आपके हड्डियों और घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है, घुटनों में ग्रीस बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, उसके बाद आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, या आपके कंधों में, हाथों में या कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द है, तो उन्हें ये बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देता है। बस आपको इस वीडियो को मेरे बताए अनुसार देखना होगा और बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पान के पत्ते को कूट लेते हैं। कूटने के बाद से आपको यहाँ पर तैयार करना होगा इस पान के पत्ते के पेस्ट को। इस पेस्ट में आप ऐड कर लें थोड़े से मात्रा में सरसों का तेल। दोस्तों, जो सरसों का तेल होता है वो हमारे हड्डियों और जोड़ों की दर्द की समस्या के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अक्सर लोग सर्दियों के मौसम में ही अपने घुटने की दर्द की समस्या से परेशान हो जाते हैं। घुटनों से चलना, बैठना, उठना सारा कुछ मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप इसके पेस्ट को सरसों के तेल में मिलाकर अगर आप रोज़ाना सुबह और शाम को पेस्ट लगाते हैं अपने दर्द वाली जगह पर, उसके बाद से हल्के आंच पर सेकाई करते हैं, तो आप अपने घुटने और जोड़ों की दर्द की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ बातों की सावधानियां भी रखनी है, जैसे कि अगर आपके घुटनों में ठंड लग जाए, उसके वजह से भी वहाँ पर दर्द होने लगता है, उठने बैठने में दिक्कत होने लगता है, तो आप जब भी अपने घुटने या कहीं पर भी दर्द का उपचार करें तो तुरंत उसे गर्म कपड़े से ज़रूर ढक लें। क्या होता है कि जब ठंड लगता है तो उसके वजह से हमारा हड्डियाँ काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, तो आपको इसीलिए गर्म कपड़े से ढक कर ज़रूर रखना होगा। इसके साथ साथ आप अपने भोजन में दूध का सेवन ज़रूर करें। आप रात्रि में भोजन करने के बाद से एक गिलास की मात्रा में दूध पी लें, या आप दिन में जब भी भोजन करें तो उसके बाद एक गिलास की मात्रा दूध लें। दूध में आप थोड़ा सा गुड़ मिला लें, उसके बाद से आपको उस दूध को पी जाना है। अगर आप महीनों तक दूध का सेवन करते हैं गुड़ वाला, तो आप अपने हड्डी और जोड़ों की दर्द की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है। जो गुड़ होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ आज की जानकारी। आप भी इस वीडियो को देखिए और अपने हड्डी और जोड़ों की कैसी भी दर्द हो उन्हें ख़त्म कीजिए। दोस्तों, हमारी जानकारी यहीं पर तो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।